एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक सबसे बेस्ट स्ट्रोलर लेकर आया हूँ, जो कि सबसे लाइट वेट और कंफर्टेबल रहता है, कॉम्पैक्ट फोल्डिंग के अंदर आता है। और ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसे आप इजी टू वे में कहीं भी ले जा सकते हैं, वन शोल्डर कैरी होता है। आपको फीचर्स बता देता हूँ इसके, आइए शुरू करते हैं। ये बेसिकली सिटिंग पोजिशन के लिए होता है। ये जो यूज होता है, ये 6 मंथ से यूज होना स्टार्ट होता है, बेबी के लिए 6 मंथ से यूज होगा। इसमें 5 हार्डनेस की बेल्ट सीट कवर दे रखा है, जिससे कि आप इजी टू कैरी कर सकते हैं। जैसे बच्चे को फ्रंट लॉक में लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं, ओपन हो जाता है। ये रेड कलर के आप बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये शोल्डर से आएंगी दोनों बेल्ट, ये साइड से आएंगे, ये भी साइड से आएंगी, और इसमें इजी ऐसे लॉक कर सकते हैं सिंपल वे में। इसके व्हील्स जो हैं रबड़ के व्हील्स होते हैं, 360 रूटेड होते हैं। अगर आपको सीधा स्ट्रेट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलना है तो आप इन्हें लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर का बटन दिया होता है जिनसे आप लॉक कर सकते हैं। प्लस जब बेबी यहाँ पर सिटिंग करेगा तो ये फुटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बेबी के पैर आ जाएंगे। दूसरा, इसमें नीचे थोड़ी सी छोटी बकेट भी दे रखी है, जैसे आप बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है। जैसे कि बच्चे का कुछ भी बॉटल वगैरह रखना, सिपर वगैरह रखना, उसमें थोड़ा सा स्लीपिंग और सिटिंग के लिए पोजीशन दे रखी है। जब आप फोल्ड करेंगे तो ये वाला लॉक रहता है, ये फोल्डिंग के लिए होता है। सबसे बेटर फोल्डिंग यहाँ इसमें आती है। ऐसे आप पैर से ऐसे लगा कर पीछे की साइड पुल कर देंगे तो ये ऊपर की साइड ऐसे चला जाएगा, और आप यहाँ से डाउन करके इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये इतना छोटा फोल्ड हो जाता है। यहाँ पर रेड कलर का लॉक रहता है जिसे आप इजीली लगा सकते हैं और ऐसे वन शोल्डर हैंड में कैरी कर सकते हैं, शोल्डर से कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर अगर ड्रैग करना है तो आप इसे इजीली ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो रेड कलर के बटन को आप पीछे की साइड में पुल करेंगे और ऐसे फ्रंट में गिर जाएंगे। ये वाला लॉक जो आपने ओपन किया था उस पर आप प्रेस कर दीजिए तो ये साउंड आता है और ये वाला लॉक ऐसे लॉक हो जाएगा। जब आपको फोल्ड करना है तो ये वाला लॉक सेम ऐसे पीछे की साइड जाएगा और आगे की साइड आप ऐसे डाउन कर देंगे, ये फोल्ड हो जाता है। इजी टू फोल्डिंग होती है और सबसे कॉम्पैक्ट और कैरी में इजी रहता है। और सबसे बेटर क्या रहती है, कैनोपी वगैरह आप कहीं भी इसे ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। इसका खुद का वेट जो रहता है, इसका खुद का वेट आप माने तो 3 kg के अराउंड वेट ऑफ रहता है। आप इसे बेबी जो इसमें कैरी कर सकते हैं, 18 kg तक का बेबी ये बेबी का वेट कैरी कर पाएगा। और सबसे बेस्ट स्ट्रोलर इसलिए है क्योंकि इसकी फोल्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है। आपको ट्रैवलिंग में अगर कहीं जाना है तो सबसे बेस्ट स्ट्रोलर है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है या कुछ पूछना है कैसे फोल्ड होना है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।